अलग डायग्राम्स हैं। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो यहां पर क्या लिखेंगे, टी एंड टी का वेक्टर सम, इस रॉड पे जाके फोर्स लगेगी अंडर रूट ऑफ 2t, क्योंकि टेंशन हमने निकाल ली, उस टेंशन की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इसमें थ्रस्ट ऑन पुली और रॉड के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, दोनों टेंशन का वेक्टर सम लगेगा। ठीक, इसके बाद का जो टॉपिक है मूविंग पुली का टॉपिक है, जो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये आज नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह शीट नंबर 31 जो सिंगल पेज की शीट मिली होगी, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज हैंड रिटन शीट नंबर 31 का प्रिंट आउट ले रिसेप्शन से, फोर्स थ्योरी करके एक फाइल, एक पेज की, ये जो है एक पेज है इसमें, इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो फॉर एनसीईआरटी। आपके स्कूल लेवल में क्या आएगा अब ये देख लो, अब ये ना सोचे वो नहीं आएगा, वो तो कॉन्सेप्ट है, बेस बिल्डिंग है, वो तो हर जगह आएगा, बट स्कूल वाले टिपिकल कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी डाला करते हैं स्पेशल। तो इस शीट में दो क्वेश्चन डाले हैं मैंने, मोस्ट प्रॉबली एक तो पक्का आएगा और ज्यादातर चांस है कि दोनों के दोनों ही आएंगे, तो तीन तीन नंबर का या तीन नंबर का क्वेश्चन तो समझो आज पक्का होगा ही होगा। तो आज आधा करेंगे और नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमने कर लिया PMV, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, इट इज दी क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय दी बॉडी, डन। नेक्स्ट टर्म है इंपल्स। इंपल्स क्या चीज है? इंपल्स है मेजर ऑफ या इंपैक्ट ऑफ फोर्स। इंपैक्ट ऑफ फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, फोर्स इनटू टाइम, ये भी आज करवाया। फोर्स एक वेक्टर है तो इंपल्स भी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इंपल्स भी होगा। क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला याद रहेगा इंपल्स का, पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। स्टेटमेंट ये है, इट स्टेट्स दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम होगा P2 माइनस P1, वही उसका इंपल्स माना जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इंपल्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये तो स्टेटमेंट है, मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। जैसे आप न्यूटन के सेकेंड लॉ से लिखें फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू dP/dt, क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में ले लें, P इज अ वेक्टर, F इज अ वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, dP एक तरफ, F into dt एक तरफ, ये स्मॉल चेंज इन मोमेंटम आया इन स्मॉल टाइम dt, टोटल चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में लिमिट P की लगेगी, तो इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम P2 वेक्टर फॉर्म में, और कब, जब टाइम जीरो से लेके कितना हो गया टी सेकेंड। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो 1 dx की इंटीग्रेशन x होती है, 1 dp की p होती है, वेक्टर फॉर्म में चल ले तो p1 से p2, और यहां पर f कांस्टेंट है 1 dt, 1 dt की इंटीग्रेशन 0 से t, ऑब्वियसली t होती है, अपर लिमिट पुट करो p2, लोअर लिमिट पुट करो p1, तो p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम को क्या बोलते हैं, इंपल्स। प्रूव हो गया, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां तक प्रूव करना है, तो ये स्कूल में आएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन स्कूल में आते हैं। हालांकि मैं आपको पेपर से पहले, सितंबर से पहले प्रिपेयर भी करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, ताकि वो स्कूल के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे ये सब नोट फाइल में लगाते जाओ, एंड में क्वेश्चनर बनेगा एक पूरा, वो हम मार्क करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर, ये अगला पार्ट तो बाद में करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स है, क्योंकि हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम दैट इज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू व्हाट, टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम की एप्लीकेशन है। कोई भी क्रिकेट में या कोई भी जब बॉल, फास्ट मूविंग बॉल को जब कैच किया जाता है, हाथों को पीछे करके करते हैं, बहुत तेज मूविंग बॉल को ऐसी रोक लेंगे तो हाथ टूट सकता है, तो जितनी तेज होगी उतना ही पीछे करते हैं। रीजन, जब एक बैट के ऊपर बॉल आ रही है तो बैट्समैन ने जो भी वेलोसिटी दी उससे वो बॉल इसको हिट करेगी m into v मोमेंटम के साथ। तो ये तो देखो, उस कैच करने वाले के, ये मान लो मेरा हैंड है, चलो ये कैच करने वाले के हाथ में नहीं है, जो मोमेंटम उसको दिया गया बॉल को उसको वैसे ही लेना है, और फाइनल मोमेंटम बॉल का क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि मान लो mv मोमेंटम से बॉल आई
और फाइनल क्या हो गया, जीरो। तो ना तो mv को चेंज कर सकते हैं ना जीरो को, तो ये लेफ्ट की जो टर्म है ये ओवरऑल क्या रहेगी, कांस्टेंट, राइट। तो जब हम बॉल को कैच करते हैं तो मान लो p1 या p वेक्टर से या p मोमेंटम से बॉल आई और फाइनल मोमेंटम जीरो, तो p माइनस जीरो इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है बॉल को कैच करने के टाइम को हम इंक्रीज कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो अगर हम ये चीज तो कांस्टेंट है, दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और अगर हम टाइम को बढ़ा दें कैच करने के लिए तो हमारे हाथों पे फोर्स कम लगेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैच करने के टाइम को बढ़ा देते हैं ताकि फोर्स हमारे हाथों पे कम लगे। दूसरी एप्लीकेशन है शॉकर्स। शॉकर्स लगे होते हैं गाड़ियों में, ट्रॉली के, ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बैठ जाओ, कोई शॉकर नहीं, बैठ जाओ, झटके लगेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, उछलती है जब कोई खड्डा आएगा तो, और चोट लगेगी। बढ़िया गाड़ी लो, महंगी गाड़ी लो, पता भी लगेगा कि कोई खड्डा भी आया तो क्यों, शॉकर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, सस्पेंशन बहुत स्ट्रांग है। कैसे, झटका लगा तो, झटका लगता है तो झटका लगने का टाइम को, एब्जॉर्ब करने के टाइम को शॉकर बढ़ाता है। झटका लगा, शॉकर जाएगा फिर वापस आएगा, टाइम देखो कितना बढ़ा दिया उसने, और जितना ज्यादा उसका टाइम होगा उतनी उसके ऊपर फोर्स बॉडी के ऊपर कम लगेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अगर आप एक हार्ड फ्लोर पे जंप मारते हो किसी बिल्डिंग से तो ऑब्वियसली बहुत चोट लगेगी, सैंड के अंदर बहुत मिट्टी पड़ी हो उसमें जंप करते हो तो धसते जाते हो, चोट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा दिया आपने, तो फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन जो मोमेंटम चेंज है, क्योंकि आपका इनिशियल मोमेंटम पी था जंप करने से पहले और फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो, तो आपने वो काम करने का मोमेंटम चेंज करने का टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि जब टाइम बढ़ाया तो फोर्स कम लगी मिट्टी के अंदर। लेकिन हार्ड फ्लोर में क्या हुआ, मोमेंटम पी था, जंप करते ही वो जीरो हो गया, टच करते ही जीरो हो गया ग्राउंड को, क्योंकि अंदर धसे ही नहीं आप लोग, तो जब टाइम कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगी। तो इसको मैं नेक्स्ट टाइम शीट पे लिख के लाऊंगा एप्लीकेशंस, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको नोट्स की फॉर्म में रख लेना। अब इतनी बड़ी थ्योरी को कौन ही एक आधा घंटे में लिखवाएगा, बट आपको ये इस टाइप की प्रॉब्लम स्कूल में आ सकती है, मैं आपको लिख के दूंगा अगली बार, तो आप उसको एज इट इज रीड करना। बट एक आइडिया समझ में आ गया इसका, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी की एप्लीकेशन का, ठीक। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया, मेरे ख्याल से वो शीट्स बांट गए आपको, बन गए शीट्स नहीं, तो आपको अभी एक होमवर्क मिलेगा। क्या होमवर्क है मैं बता देता हूं, अभी आपको शीट मिलेगी, ऑब्जेक्टिव शीट, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 15। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 15 का प्रिंट आउट लें, और साथ ही के इसके सॉल्यूशन भी लेना, क्योंकि सॉल्यूशन अलग से है, और ऐसी अगली शीट का प्रिंट आउट भी लें एज अ होमवर्क।